दरभंगा बिहार के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ दरभंगा जिला के कमतौल व मब्बी थाना क्षेत्र में गत दिनों 2 समुदाय के बीच हुए तनाव इलाके का दौरा किया है। वहीं प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आज उसे दरभंगा में 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित कर रही है। यह कोई पहला मौका नहीं जब इस तरह की सेवा को बिहार में बाधित की गई हो। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ के अंदर किस तरह लूटा गया है, रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। सासाराम में हमारे पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा को जेल के अंदर बंद कर दिया, यह घोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। इस तरह की स्थिति पैदा करे ये लोग, राज्य में दहशत पैदा करते हैं। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में ये पहली बार इंटरनेट बंद नहीं होने जा रहा है। बिहार शरीफ के अंदर किस तरह से लूटा गया, किस तरह से वहां पर रामनवमी में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। सासाराम में हमारे माननीय पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा जी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यह अघोषित आपातकाल है और यह दहशत पैदा करना चाहता है। अरे मणिपुर में एक घटना घटित हुआ, बिहार में तो कई घटनाएं दलित बच्ची के साथ बलात्कार का, बेगूसराय में वो वीडियो देखा है किस तरह से दलित बच्ची के वस्त्र को फाड़ा जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। और धिक्कार है कुर्सी के लिए समझौता करने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जबान से आवाज नहीं निकल रही। जब नेता प्रतिपक्ष हर घटना में जाकर के पीड़ित परिवार से मिल रहा है तो सत्ता में बैठे हुए हस्तिनापुर के गुलाम एन हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज रहे, क्यों नहीं सच को जानने का प्रयास कर रहे, क्यों नहीं इसका जांच उच्च स्तरीय करवाने का हिम्मत जुटा रहे। है हिम्मत तो उच्च स्तरीय जांच करावे, सच सामने आएगा। ऐसी सत्ता को धिक्कार है जो लोगों की अस्मिता को नहीं बचा सके, लोगों के महिलाओं की सम्मान को नहीं बचा सके।